हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आज हम लेने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2022 का, वो हम लेने वाले हैं। इसे आज आप मॉक टेस्ट समझो, ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से पेपर लिखना है, किस तरीके से पेपर अटेंड करना है। आपने अगर ये पेपर ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आप आपके आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, नहीं तो ये पेपर आपके लिए बेस्ट रिविजन सोर्स हो सकता है। ये पूरा विद सोल्यूशन पेपर है, मैं पूरा का पूरा पेपर कराने की इसमें कोशिश करूंगा। देखो, ये पेपर काफी खास था और काफी टफ माना गया था, क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड के और जीके के क्वेश्चन में जो चेंजेस हुए थे वो 26 क्वेश्चन जीके के आए थे और 24 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आए थे। तो ये पैटर्न काफी हार्ड पैटर्न माना जाता था। तो ये पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था वो काफी टफ पेपर पैटर्न में आया था। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी टाइम भी जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट फेमस फॉर वर्क इन ब्रिक एंड मड, किस कौन सा आर्किटेक्ट है जिन्होंने ब्रिक एंड मड में काम किया है। तो ना जहा हदीद है, क्योंकि इनका तो फैंसी वर्क है, थोड़ा सा रिदमिक वर्क में आता है। लॉरी बेकर, ये सही जवाब है। लॉरी बेकर इस ब्रिक आर्ट के लिए जाने जाते हैं, उनका जो ब्रिक वर्क है केरला में वो काफी फेमस है। क्रिस्टोफर बिगनर एंड फ्रैंक लॉयड राइट भी नहीं है। फ्रैंक लॉयड राइट मॉडर्न आर्ट के लिए जाने जाते हैं, मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एन ऑफिस बिल्डिंग वॉज बिल्ड इन 10th फ्लोर, 10 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है 4 मीटर इंक्लूडिंग स्लैब, ग्राउंड में जो ग्राउंड फ्लोर जो है 4 मीटर का है, एंड 3500 mm बोला है, 3500 mm इंक्लूडिंग द स्लैब थिकनेस, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बोल रहा है जो ऊपर के 9th फ्लोर है उनकी जो ये है, तो ये 35 mm है। इसका मतलब क्या, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 35 मीटर हो जाएगा, 35 मीटर हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है ये हमें पूछ रहा है। तो ये जो हाइट दी है, ये जो हमें हाइट दी है, ये हमें हाइट दी है टोटल 9th फ्लोर की, और ये 4 मीटर जो दिया है यह है स्लैब की हाइट। तो हमें बस आपको ये निकालना है कि टोटल हाइट कितनी होगी। तो टोटल हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो दिया है ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स प्लस 35 मीटर, तो 4 मीटर प्लस 35 मीटर 39 मीटर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दिया है प्राइमरी कलर कौन सा है, अगर कलर व्हील आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि प्राइमरी कलर मतलब रेड कलर, उसके बाद में येलो कलर एंड ब्लू कलर, ये प्राइमरी कलर होते हैं, ये कलर प्राइमरी माने जाते हैं। और इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वायलेट कलर, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑरेंज कलर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रीन कलर, इनको हम सेकेंडरी कलर मानते हैं। तो ये प्राइमरी कलर कौन से दिए हैं, तो रेड येल्लो एंड ब्लू, ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अजंता एरोला क्यों का ये क्या है, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है ये पूछ रहा है। तो ये रॉक कट आर्किटेक्चर केव्स है, ये रॉक कट केव है, तो रॉक कट ही इसका सही जवाब होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये वीडियो मैं फेस काम के बिना बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा था और काफी जल्दबाजी में ये वीडियो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मैं इसको बना रहा हूँ, तो आप ये बात समझ पाएंगे ऐसी उम्मीद है। देखो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो वैलीज है, इंडस वैली है, वो कहाँ आती है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पाकिस्तान एंड जो हमारा सिंध एरिया है, जैसे पंजाब का एरिया है, वहां पे हुई थी। तो इसका सही जवाब होना चाहिए पाकिस्तान में ये है, ना ही बांग्लादेश में है, ना ही नेपाल में है, ना ही अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होना चाहिए पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस आर्किटेक्चर डिजाइनर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड साइंस इन एट बेंगलोर, बेंगलोर में ये सारा जो किया है वो किस आर्किटेक्ट ने किया है। तो अच्युत कन्विन ने, उसके बाद में संजय पेरी, लोरी बेकर एंड अनंत राजे। देखो, अनंत राजे और लोरी बेकर का वर्क केरला में है, अनंत राजे का वर्क महाराष्ट्र में है, संजयपुरी का वर्क दिल्ली में ज्यादा है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए अच्युत कन्विन ने, अच्युत कन्विन ने इनका सही जवाब होना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट टाइम में देखें तो देखो 10 सेंटीमीटर है, इसको हम अगर मिलीमीटर में करने की कोशिश करें, 10 सेंटीमीटर में है तो इसको अगर मिलीमीटर में करने की कोशिश करें या फिर मीटर में करने की कोशिश करो, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इसका आप जवाब मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दोगे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रीन आर्किटेक्चर
दिस डे ग्रीन हैज़ प्रमोटेड बिकॉज, किसके लिए प्रमोट किया जाता है? कॉस्ट लो है, इसका बिल्कुल नहीं है आंसर। लॉन्गर लास्टर है तो ये भी इसका आंसर नहीं है। गुड कलर, ये तो बिल्कुल नहीं है। इसका सही जवाब है ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। ये जो वर्क है ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वर्क है, इसके लिए इसको ग्रीन आर्किटेक्चर को प्रमोट किया जाता है। ग्रोथ ऑफ द लंडन सिटी कौन सी रिवर पर डिपेंड करता है? तो देखो नाइल रिवर तो इजिप्ट में है, थेम्स रिवर लंदन में है, इसे लंदन की गंगा बोलते हैं। तो ये थेम्स रिवर इसका सही जवाब है। बाकी जो रिवर है, बाकी अलग अलग सिटीज की रिवर है, तो नाइल रिवर बिल्कुल नहीं है और बाकी दो रिवर भी बिल्कुल भी नहीं है। हु हैज डिजाइन द फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसका दूसरा नाम क्या है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सेकंड नेम क्या है। इसका आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट में आप जरूर मुझे इसका आंसर बोल सकते हैं। इसका अभी का आंसर बोल लेता हूं क्या है। इसका सही जवाब है जॉर्ज विटेट। इसका सही जवाब है जॉर्ज विटेट ने इसको डिजाइन किया था। भारत माता ये पेंटिंग सबसे फेमस किसने कराया था, किसने इसको बनाया था? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अभिन्द्रनाथ टागोर एंड रविन्द्रनाथ टागोर। तो इनका इसका सही जवाब है अभिन्द्रनाथ टागोर। इसी की जगह पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि बापूजी का पेंटिंग किसने फेमस पेंटिंग किसने बनाया है, तो वो हो जाता नंदलाल बोस। ठीक है, और जो सेल्फ पोर्ट्रेट है वो किसने बनाया है, तो वो है रविन्द्रनाथ टागोर। राजा रवि वर्मा का बहुत सारे वर्क है जो आपको पता होने चाहिए। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये वन ऑफ द सेवन वंडर्स है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? आज के मैप के हिसाब से कहाँ पे सिचुएटेड है ये क्वेश्चन है। ये यूएई में नहीं है, टर्की में नहीं है, ईरान में नहीं है, ये इराक में है। इराक मतलब बगदाद में है, ये जो सिचुएटेड है ये बगदाद में सिचुएटेड है। वास्तु पुरुष मंडल ये प्लानिंग सिस्टम जो बनाई है ये किस सिटी के रिलेटेड बनाई गई है? वाराणसी, राजकोट, जयपुर एंड तिरुपति। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए ये जयपुर होना चाहिए। इसका सही जवाब होना चाहिए जयपुर, और वो भी राजा जयसिंह ने इसको बनाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ भीमबेटका पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में है, फेमस स्टेट में है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। जैसे कि उड़ीसा में अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये कोणार्क हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में दो साइट्स है, एक काकतीय महादेव टेम्पल है जिसको रंबम्मा टेम्पल बोलते हैं, और उत्तराखंड में नेचुरल साइट्स है, दो नेचुरल साइट उत्तराखंड में भी है। तो इस भीमबेटका इसका सही जवाब होना चाहिए मध्य प्रदेश है, सही जवाब होना चाहिए। गोविंद सागर लेक ये कहाँ पे है? गोविंद सागर लेक ये इंडिया में कहाँ है? गुजरात में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सरदार सरोवर लेक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना ही राजस्थान में है। ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि भाखड़ा नांगल डैम है उस पर ये लेक बनाया गया है। ADFF इज एब्रीवेशन फॉर, ये एब्रीवेशन किसका है? ये आप एक काम कर सकते हो, इसको आप गूगल करो और फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बोलो। इसका सही जवाब मैं आपको वहां पे कमेंट सेक्शन में बोल दूंगा, ये सही जवाब आपने किया है कि नहीं किया है। विच एनीज गिव इट दोज टू वंस, ये जो बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट एंड आर्किटेक्चर है ये किस फेमस कलाकार ने बनाया था? कौन फेमस अवार्ड विनिंग मूवी है, ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी एक्टर है जो बनाए थे? देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये शाहरुख खान ने प्ले किया था, और वो भी स्वदेश में ये पार्ट प्ले किया था। स्वदेश जो मूवी थी 2007 के आसपास ये मूवी आई थी, 2005 या 2007 के आसपास ये मूवी आई थी, ये स्वदेश इस फिल्म में कराया गया था, तो ये शाहरुख खान ने प्ले किया था। तो इसका सही जवाब शाहरुख खान होना चाहिए। कूल कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो सनलाइट बिल्कुल नहीं, हीट वार्म कलर रिप्रेजेंट करते हैं, स्काई ये सही जवाब हो जाएगा, डार्कनेस बिल्कुल नहीं है। तो कूल कलर हमेशा स्काई रिप्रेजेंट करते हैं। लेक लोकतक इज अ फेमस फॉर फ्लोटिंग विलेजेस और वेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी, ये देखो दो स्टेटमेंट पूछे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो साइट्स है उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। पर्टिकुलर जो साइट्स है उनको आपने ठीक से स्टडी करना चाहिए। तो देखो ये दोनों ही चीजें सही है, वहाँ पे फ्लोटिंग विलेजेस भी है और बायोडायवर्सिटी भी रिच मानी जाती है, बहुत सारी बायोडायवर्सिटी, जैसे कि मेजोरिटी टाइम एनिमल अलग अलग दिखते हैं। तो ये इसका आंसर बोथ होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर द करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ से जो भी मैच द पेयर वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से मैंने लगाए हैं, तो देखते हैं एक एक मैच द पेयर वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो देखो मैथ्स अफेयर में अगर आपको एक दो भी पता है तो आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि ये अगर देखा जाए तो देखो कुतुब मीनार टेपरिंग पैटर्न है, तो सी से 4 होना चाहिए। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी में है, ये दो में ये ऑप्शन गलत दिया है। और सेकंड जो है, सेकंड अगर हम बात करें आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट कहाँ है, या फिर दौलताबाद फोर्ट, ये सारी चीजें दी है। तो टैपरिंग टावर तो हो गया, इसके बाद में हम देखेंगे कि आगरा फोर्ट में क्या है। तो आगरा फोर्ट में पित्रा दूसरा वर्क है, पित्रा दोरा वर्क है, तो 20 से 3 यहाँ पे होगा, वो दोनों में से सही हो जाएगा। तो इन केस में ये दोनों ही इन्होंने दिया है और सी का भी दोनों ही दिया है। अब देखते हैं डी का, दौलताबाद फोर्ट में क्या यूज हुआ है। तो देखो दौलताबाद में क्या यूज हुआ है, तो दौलताबाद में यूज हुआ है चार मीनार, दौलताबाद में चांद मीनार, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी सही रहना चाहिए। ये कुछ जो हमारे ऑनरेबल प्रियम फाइटर्स थे उनके रिलेटेड ये चीजें पूछी गई है कि उनका नाम क्या है। तो नेताजी किसे बोलते थे, तो सुभाष चंद्र बोस। ए से 2, पहले दो तीन ऑप्शन जो है वो कट हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन हमारे हट गए हैं। उसके बाद में आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को बोलते थे, तो सी से 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कुछ निकनेम पूछे गए थे, सिटीज के निकनेम आए हैं। तो देखो मुझे जो पता है, पहले मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। जनरली कॉकपिट ऑफ यूरोप, जहां पे प्लेन की खोज हुई थी, प्लेन स्टार्टिंग हुई थी, तो वो हो जाएगा हमारा 4th। तो सी से 4th जो भी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, सॉरी बी से जो 4th है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तीनों में ही दिया है, तो तीनों ही हमारे ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। सिटी ऑफ स्काईस्क्रैपर किसे बोलते हैं, तो सिटी ऑफ स्काईस्क्रैपर 3 है, न्यूयॉर्क है, तो ये दो ऊपर के दो ऑप्शन में आ जाएंगे। अब देखते हैं फॉरबिडियन सिटी, तो बीजिंग में है, तो सी से 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो मैं एक दो देख के मैच द पेयर करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछा गया था, काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसका आंसर आपने एक बार फिर से गूगल करना चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड आया है। मेरी डेट्स लर्न है तो मैं आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगा। देखो अजंता के सबसे फर्स्ट आई है, तो सी से जहां भी स्टार्ट हो जाए वो आपका जवाब होना चाहिए, सी से जो स्टार्ट हो जाए वो आपका जवाब होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन है। उसके बाद में देखो सन टेम्पल आया था अजंता के, जो मिला था वर्ल्ड हेरिटेज 1983 में मिला था, और जो सन टेम्पल है 1984 में मिला था। तो जो सेकंड केस में आया है वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी आपको पता है नहीं पता है ये बात की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी और ए यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। इसके बाद में चार फोर्ट और पैलेसेस दिए हैं और हमें उसको अच्छे से लगाना है। तो देखते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ है, नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ है, ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से आप मुझे इसका जवाब बोलोगे, ये मुझे, मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये मुझे आपको एज अ होमवर्क देना है, तो आप ये जरूर चेक कर सकते हो। माउंटेन रेंज आई थी एग्जाम में, किस तरीके से इसको लगाएंगे। देखो अरवली जो माउंटेन रेंज है, अगर आपको आपका जनगणना अच्छे से लर्न होगा तो ये सारी चीजें निकालना बहुत आसान है। पर यहाँ पे भी मैं अगेन फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। देखो अरवली जो रेंज है ये वेस्टर्न में आता है, वेस्टर्न पार्ट में आता है, और जो घारो खासी रेंज है, घारो खासी है वो हमारी ईस्टर्न में आती है, डी से 3। तो डी से 3 जहाँ पे भी ऑप्शन है मेरे ख्याल से वो सही होना चाहिए, अरवली 2, तो ए 2 एंड डी 3, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। एक ही इससे भी आप अच्छे से लगा सकते हो। अरवली रेंज राजस्थान में है, और गारो खासी जो रेंज है ये नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में। एक लास्ट मैच द पेयर पूछा गया था कि इसका आंसर कैसे करेंगे, बहुत सारे टेम्पल्स दिए थे और इसमें से हमें लगाना था। यहाँ पे भी आप अगर एक अच्छे से पता है तो आप इसका जवाब कर सकते हो। देखो जो मुझे पता है, जो मुझे दो तीन पता है, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। देखो ए का जो है, जो शिव सागर टेम्पल है ये कहाँ है, तो शिव सागर टेम्पल मेरे ख्याल से आसाम में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही, ए का 2, ये दो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। और जो लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो में है, तो लक्ष्मण टेम्पल 4,
तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी सही होना चाहिए। बाकी सी सी अगर देखें तो सी का ललितपुर टेम्पल दिया है और ये कर्नाटका में टेम्पल दिया है। तो इस तरीके से आप इनके बाकी के जवाब भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको पार्ट को सॉल्व करना था। ये जीके पार्ट का टोटल 26 क्वेश्चन आए थे और काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी टफ लेवल के क्वेश्चन मुझे लगे थे। इस साल भी उम्मीद है कि काफी टफ क्वेश्चन देखे जाएंगे। देखो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं होता है और आपको लगता है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं, आप सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छे से कोशिश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेकंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाओगे, बस प्रॉपर गाइडेंस की थोड़ी ज़रूरत होती है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखो मिरर इमेज हमें पूछ रहा था, मिरर इमेज हमें पूछ रहा था, तो देखो इसका सेम टू सेम फिगर दिखनी चाहिए। यहाँ की फिगर जो है ये सेम टू सेम इस साइड दिखनी चाहिए। तो यहाँ कहाँ दिख रही है ये बस हमें देखना है। इसकी हाइट ज्यादा दी है, इसकी हाइट कम दी है और ये थोड़ा जाड़ा और मोटा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर ये आप वीडियो देख रहे हो कि आपका थोड़ा सा स्टडी अच्छे लेवल पे हुआ है। ये क्वेश्चन है काफी फंडामेंटल लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इवन आप डॉट लॉजिक से भी इसका जवाब कर सकते हो। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट चेंज होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो पहले ये दो ऑप्शन हटाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखो जो डॉट है ये कोने से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सेकंड डॉट इस कोने में, थर्ड डॉट इस कोने में, तो फोर्थ डॉट या इस कोने में आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन काफी मेरे ख्याल से फंडामेंटल लेवल पे आते हैं, इजी नहीं बोलता हूं मैं, काफी फंडामेंटल लेवल पे दिखते हैं, तो इसको सॉल्व करना बड़ा इजी होगा, बड़ा अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये एक इंटरलॉकिंग का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर से आने स्टार्ट हुए हैं इंटरलॉकिंग के क्वेश्चन, तो बस मैं एक पार्ट को यहाँ पे पकड़ता हूँ और इसी से निकालने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट मुझे जहाँ पे भी फिट हो जाए वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट अलग है सी में, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। बस एक पार्ट पकड़ो और आंसर करो, इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये पूछ रहा है कि इसको 90 डिग्री अगर घुमाएंगे टू इट ऑन इट्स राइट, मतलब राइट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो कैसे देखते हैं, अगर राइट में घुमाएंगे इसको 90 डिग्री तो पहले ये पार्ट को देखो, ये पार्ट भी यहाँ पे आना चाहिए, ये पार्ट यहाँ आना चाहिए ओरिजिनल फिगर के, तो यहाँ पे है वो रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा हट गया। उसके बाद में ये भी ऊपर की साइड जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट गया, ए मेरा हट गया है और डी ऑप्शन मेरा हट गया है। बाकी जो दो ऑप्शन है वो हमें अच्छे से अगेन वेरीफाई करने पड़ेंगे। देखो बी में यहाँ पे बीच में काला डॉट नहीं दिया है और सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सरफेस काउंट करने हैं, ये एज अ होमवर्क मैं आपको देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, इसमें मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ज्यादा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से और देखेंगे। मिरर इमेज निकालनी है तो देखो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, डॉट और इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगेन ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कटी हुई है। अब बाकी दो ऑप्शन में क्या गलती है ये हम जरा थोड़ा सा देखते हैं और चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन कम दी है, डी में एक लाइन कम दी है और बी में वही लाइन सही दी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ये लाइन पूरी जा रही है ना, और डी में ये लाइन आधी कटी दिख रही है। अब ये ऊपर वाले पार्ट से ऑब्जर्व करना, अगेन स्टार्ट करते हैं, छोटा बड़ा पार्ट दिया है तो यहाँ पे सेम हाइट के दे दिए, यहाँ पे भी गलत दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो ऑब्जर्व करेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी एंड डी में किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखो अब देखो सी और डी में यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट चेंज है, तो यहाँ पे देखो मोटा पार्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है ऐसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ये एलिवेशन का क्वेश्चन है, अगर इस साइड से देखेंगे तो व्यू क्या दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तो किस तरीके से इसका व्यू आएगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो
अगर हम इस साइड से देखते हैं देखो तो एक सरफेस दिखेगा और दो सरफेस दिखेगा, तो यहाँ पे भी दो सरफेस दिख जाए वो हमारा आंसर है। यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, यहाँ पे भी सरफेस ज्यादा है, यहाँ पे भी सरफेस ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर हम इस तरीके इस साइड से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है तो हमें ट्रायंगल दिखना चाहिए, एक ही ट्रायंगल दिख रहा है और ऊपर उसका स्क्वायर दिख रहा है, तो ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर हमें दिखने चाहिए। तो देखो ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए हैं। इस साइड से देखते हैं, देखो इस साइड से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल है और ऊपर स्क्वायर है, अगेन ट्रायंगल स्क्वायर को पकड़ो और आंसर सही करो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो अब देखो ट्रायंगल एक साइड है और स्क्वायर दूसरी साइड है, तो हमें दोनों अपोजिट साइड है ऐसा ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ही डिमांड करता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से ही आप ये सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और ये पूछ रहा है कि टॉप व्यू निकालो, मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉप व्यू निकालना है, तो किसे निकालेंगे, तो ये सारे सारे जो दिया है ये सारे फ्रंट व्यू दिया है, साइड व्यू दिया है, ये अकेला ही टॉप व्यू दिया है, ऊपर से दो ट्रायंगल दिखने चाहिए, तो ये दो ट्रायंगल हमें बस यही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगेन फ्रंट व्यू पूछ रहा है, ये कुछ एप्टीट्यूड के बेसिक टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू पूछे जाते हैं, ये जो क्वेश्चन है इनको कैसे हैंडल करेंगे। देखो फ्रंट व्यू से एक दो तीन एंड चार, चार सरफेस दिख रहे हैं तो हमें चार सरफेस दिखने चाहिए। अब ये सरफेस और ये सरफेस की हाइट सेम है तो हमें तीन ही सरफेस दिखेंगे कि वन टू एंड थ्री, तो थ्री सरफेस जहां भी दिख जाए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सी जवाब सही होना चाहिए, ये सारे सरफेस गलत दिए हैं। ये क्यों गलत दिए हैं, क्योंकि देखो ये बाजू बाजू में दो रेक्टेंगल भी आने चाहिए, बाजू बाजू में दो रेक्टेंगल होने चाहिए, क्योंकि हर स्लैंटेड सरफेस रेक्टेंगल प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ना कि बी सही होगा, और बाकी में सरफेस ज्यादा दिए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत सारे स्टूडेंट में स्टक करा था, बहुत सारे स्टूडेंट को गलत मार्क करके आया था। देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इसको प्रॉपर अगर तरीका अगर देखेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं ऐसा एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप इजीली आंसर कर पाएंगे। पहले आप यहाँ से कॉर्नर काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, नाइन कॉर्नर जहाँ पे भी है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो सर्कुलर तो हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, तो ये अभी ऑप्शन नहीं आएगा। अब दोनों में से देखते हैं नाइन इसमें भी और उसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो ये और ये दो ऑप्शन आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे ये जो गैप है ये अनइवन गैप है, ये सारी अनइवन गैप है, और यहाँ पे इवन गैप है, तो यहाँ पे हमें सारी की सारी इवन गैप दिख रही है, सारी की सारी इवन गैप है, तो इवन गैप वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका निकालने का तरीका दो तीन तरीके हैं, उसमें से ये एक तरीका है, इसमें से भी इजी तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये पूछ रहा है इसमें से कोई इनकरेक्ट है जिसका आपको आंसर चाहिए, अगेन वही तरीका लगाएंगे कि कितने टोटल कॉर्नर है, वन लाइन वन कॉर्नर टू कॉर्नर थ्री कॉर्नर, तो वन टू थ्री ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, वन टू थ्री ये भी सही हो जाएगा, यहाँ पे चार है वन टू थ्री फोर, तो ये गलत है वन टू थ्री, तो ये इनकरेक्ट वाला ही पूछ रहा था गलत वाला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हमें इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू पूछ रहा है कि फ्रंट व्यू निकालना है, तो कैसे इसका निकालेंगे, तो फ्रंट व्यू में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट बॉक्स दिखने चाहिए, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी सारों में गलत दिया है। आप काउंट कर सकते हो, काउंट करके भी आप चेक कर सकते हो। हमें पूछ रहा है इस डायरेक्शन से, जो एरो की डायरेक्शन है वहां से फ्रंट व्यू हमें निकालना है, किस तरीके से फ्रंट व्यू दिखेगा, तो अगर फ्रंट व्यू निकालना है तो मैं ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूं, आप इसको जरूर होमवर्क पे ट्राई करो। अगेन इस साइड से हमें सरफेस निकालने हैं, तो इस साइड से हमें कौन कौन से सरफेस दिखेंगे, ये पहले इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो यहाँ पे रेक्टेंगल दिखेगा जो यहाँ पे नहीं है, उसके बाद में यहाँ पे एक दो और तीन तीन बॉक्स दिखने चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद में यहाँ पे एक बॉक्स से एक बॉक्स हटेगा ढकेगा और उसके ऊपर एक बॉक्स आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक के ऊपर एक बॉक्स दिखेगा। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा पार्ट दिखेगा कौन सा पार्ट
नहीं दिखेगा, ये प्रैक्टिस से ही होता है। ऐसी उम्मीद है कि आप अभी प्रैक्टिस हो गई है, आप बस आपको टेस्ट करने के लिए इसके आंसर चेक कर रहे हो। इसका हमें टॉप व्यू आंसर करना है, टॉप व्यू क्या है ये हमें देखना है। तो इसका टॉप व्यू क्या आएगा, बस ये एक ही शेप से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी शेप दिया है इससे आप डिसाइड कर सकते हो। इवन ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। उसके बाद में अगर देखेंगे तो हमें ये एल शेप में लाइन आनी चाहिए, इसमें लाइन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में लाइन दी है। और अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो देखो ये जो पार्ट है ये भी छोटा एल है, तो यहाँ पे छोटा एल लिख रहा है, यहाँ पे भी लाइन एक्स्ट्रा है, तो ये तीन ऑप्शन हट जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं भी थोड़ा केयरफुली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये टॉप व्यू पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऊपर से हमें 9 चीजें दिखनी चाहिए, 9 सर्फेसेस दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे भी दिख जाए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी सही होना चाहिए, बाकी ऑप्शन गलत दिया है। अगेन यहाँ हमें टॉप व्यू पूछ रहा है, देखो टॉप व्यू अगेन पूछ रहा है, तो एक ही बात करेंगे, बस सरफेस काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 चीजें दिखनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, बाकी सारे गलत दिए है। 3 है इसमें, इसमें भी 3 है और इसमें 6 है। इसका ये फ्रंट व्यू पूछ रहा है, तो फ्रंट व्यू कैसे आएगा, स्टेप कहाँ से दिख रही है, बस ये हमें ऑब्जर्व करना है और डिसाइड करना है। देखो ये ऊपर दिया है और ये गलत डायरेक्शन दी है, ये थोड़ा इस साइड हो गया, तो सी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ेगा, इसका ऑब्जर्वेशन से ही आप आंसर कर पाओगे। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, तो इसको किस तरीके से आंसर करना है, ये क्या पूछ रहा है, करेक्ट टॉप व्यू पूछ रहा है, तो टॉप व्यू दोनों सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। उसके बाद में ये भी गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ये लेफ्ट साइड दे दिया है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको होमवर्क पूछे हैं, तो वो मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।